नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षण संस्थानों में। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की क्या गवर्नमेंट के नए फैसले से क्यों बंद किए गए हैं, क्या कारण रहे हैं और क्यों कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही संगठन का एक विरोध हुआ और उसके बाद जो 90 शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं उनको स्टेटस क्वो कर दिया गया है। फिलहाल उनकी समीक्षा की जाएगी। और जयराम ठाकुर सरकार ने चुनावी वर्ष में लगभग 950 संस्थान खोले थे, उनमें से 300 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान भी थे, स्कूलों को अपग्रेड किया गया था। लेकिन सुक्कू सरकार ने आते ही एक नोटिफिकेशन की सारे संस्थान विड्रॉ कर लिए, डिनोटिफाई हो गए। तो उस समय मार्च मंथ में और शुरू में ही ये सारे संस्थान बंद हो गए। लेकिन उसके बाद एक क्राइटेरिया तय किया गया, 15, 20 और 25 बच्चों का, प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल। और संस्थानों की इसी संख्या को आधार मान के 31 मार्च तक देखा गया क्या स्ट्रेंथ है स्कूलों की, और एक नोटिफिकेशन शिक्षा सचिव ने जारी कर दी और 90 स्कूल बंद कर दिए गए। और हो हल्ला हुआ, जबकि बच्चों की संख्या जहां 25 होनी थी वहां पे कहीं पे 22 भी थी, 30 भी थी, और मई तक जो संख्या थी वो 29 तक भी पहुंच गई थी, वो स्कूल बंद हुए। सबसे पहले मुद्दा उठाया पूर्व मंत्री आशा कुमारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूल बंद हुए, पत्र लिखा। और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ये मुद्दा उठाया, फिर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मुद्दा उठाया और पार्टी ने अलग अलग मंचों पे ये मुद्दा उठा। और कहीं ना कहीं मामला राजीव शुक्ला जी जो कांग्रेस के हिमाचल के प्रभारी उन तक पहुंचा। तो अब निर्णय आया, शिक्षा मंत्री ने इन सब की समीक्षा करके पुनर्विचार करने का एक फैसला किया है। जापान का हम उदाहरण लें तो वहां एक बच्ची के लिए ट्रेन चलती है, क्योंकि उस बच्ची को स्कूल जाने के लिए कोई भी यातायात का साधन नहीं होता है। जबकि वो लॉस में ट्रेन थी, उसको बंद करने का फरमान हो गया था, लेकिन जब जापान सरकार को पता चला कि एक बच्ची का जो भविष्य है इस ट्रेन पे निर्भर है और वो निरंतर उसकी शिक्षा तक कई सालों तक ट्रेन को चलाते रहे। लेकिन हिमाचल में स्कूलों को दुर्गम क्षेत्र और खासकर जनजातीय क्षेत्रों में स्टूडेंट की संख्या जाहिर है कि कम रहेगी, लेकिन उनको बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि विकल्प नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पे। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं भाजपा की तरफ से चेतन बरागटा जी, आपकी तरफ से चमन राकेश जी और कांग्रेस की तरफ से सुशांत कपरेट जी, और भाजपा के प्रवीण शर्मा जी पूर्व नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं ये, और विभिन्न विषयों को उठाते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा अपने सुशांत जी से, सुशांत जी ये क्यों जरूरत पड़ रही है बार बार शिक्षण संस्थानों को बंद करने और फिर उन फैसलों को स्टेटस को करने की, ये कहाँ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है? जी सुशांत जी। देखिए राजीव भाई, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि स्कूल जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ को निर्धारित किया गया, उस निर्धारण के अनुसार जो है जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी उन स्कूल्स को बंद किया गया। संगठन की बात आई, जहां पर कांग्रेस पार्टी की बात आई, उसमें हमारे कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने, साथ ही साथ आशा कुमारी जी ने और हमारे जो पार्टी के अन्य लीडर्स हैं उन्होंने अपनी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड डिमांड कहे या फिर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे भी अगर बात कहें तो जनजातीय क्षेत्र से लेकर जहां जहां रिक्वायरमेंट थी वहां पर लोकल लीडर्स ने संगठन के माध्यम से ये आवाज आगे उठाई और माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने यह निर्णय लिया है कि स्टेटस को किया जाएगा इन स्कूलों को जिनको बंद किया गया है। तो देखिए इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे जहां पर आपने स्कूल बंद किए, जहां पर आपके बच्चों की स्ट्रेंथ 15 से कम थी, 20 से कम थी, 25 से कम थी, वो समझ में आ रहा था। बिकॉज क्या हो रहा था कि एक जो सेटअप जो था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि आपने इतने बच्चों के लिए स्कूल चला लिया तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहा था, नंबर एक। लेकिन जहां तक संगठन की बात आती है, संगठन को ये चीज महसूस हुई कि दूर दराज के इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ तो ऑटोमेटिकली कम रहेगी, तो उस लाइन पे ये जो पार्टी की ओर से ये रिप्रेजेंटेशन आगे गया और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पे पुनर्विचार करने का जो आश्वासन है वो भी दिया है। तो डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप है क्योंकि हर प्रकार के निर्णयों के लिए जहां पर लोगों की आवश्यकता है उसके अनुसार अगर सरकार निर्णय वापस लेने के लिए भी तैयार है तो एक स्वागत योग्य फैसला है।
जी सुशांत जी, आपकी कांग्रेस सरकार को और खासकर वीरभद्र सिंह जी जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको शिक्षण संस्थान खोलने के लिए बहुत क्रेडिट जाता है। अगर उन्होंने अपने कार्यकालों में रहते हुए शिक्षण संस्थान नहीं खोले होते जगह जगह पे, तो आज बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते और हम पूरे देश में दूसरे नंबर पे शिक्षा में नहीं होते। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। लेकिन अब निर्णय ऐसा, एक क्राइटेरिया ऐसा फिक्स कर दिया गया है, ठीक है 25 बच्चे नहीं है लेकिन 24 बच्चे, एक बच्चा भी कम हो गया तो स्कूल ऑटोमेटिकली डिनोटिफाई हो जाएगा। इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत तो है जी। देखिए सर, इसमें राजीव भाई, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जो दूर दराज के इलाके हैं उसके साथ, अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं कोट करूंगा, अनाडेल स्कूल आता है शिमला विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पर बच्चों की जी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन वो अनाडेल का जो स्कूल है वो जो शिमला ग्रामीण का साथ लगता है एरिया है उसको केटर करता है। वहां के जी लोग पिछले कल इकट्ठे हुए और वो जाकर प्रशासनिक स्तर पे मिलके आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर जो अनाडेल के साथ लगता हुआ एक क्षेत्र है, जो दूर दराज क्षेत्र शिमला ग्रामीण का आता है, वहां के बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो इस तरीके से भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है, वो चाहे शहर की बात हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, तो डेफिनेटली जो सर्कमस्टांसेस है वो हर जगह के डिफरेंट है। और अगर इस जी तरीके के डिसीजंस को रिवर्ट करने की बात आ रही है तो वो एक स्वागत योग्य निर्णय है, बिकॉज जहां पर जिस प्रकार की जरूरत है, अगर उस प्रकार से शैक्षणिक संस्थान चलाए जाते हैं तो वो सिस्टम के लिए भी बेटर है। जी जी चेतन जी, ये जो स्कूलों को बंद करने का सिलसिला है, क्योंकि आपका हल्का भी जुब्बल कोटखाई एक बड़ा भौगोलिक परिस्थिति आप देखते हैं कि मीलों चलना भी पड़ता है दूसरे स्कूल तक पहुंचने के लिए, और गुड़िया का जो हादसा हुआ है वहां पे, क्योंकि उस बच्ची का स्कूल अगर वहां पे होता, नजदीक होता, तो वो बच्ची आज हमारे बीच में होती और वो इतना भयंकर हादसा, दर्दनाक हादसा उसके साथ नहीं होता। तो सरकार जो एक क्राइटेरिया के तहत काम कर रही है, इसको लेके आपकी क्या राय रहेगी? जी चेतन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यहाँ से गुड़िया को फिर स्मरण करना चाहता हूँ। आपके बहुत एक जिसको बोलते हैं इमोशनल इश्यू यहाँ पे उठा दिया है, और अगर वो स्कूल उन्हीं के गांव में होता तो ये स्थिति आज नहीं होती और हमारे बीच में होती। देखिए, मैं यहाँ से राजा वीरभद्र जी को याद करना चाहता हूँ। वो हमारे विधायक भी रहे हैं और 2 बारी विधायक रहे हैं जुब्बल कोटखाई से, और साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनका एक मैंने कुछ दिन पहले या पिछले साल मैंने उनका एक एक वीडियो बाइट देखा था। उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली बोला था कि चाहे एक बच्चा भी होगा स्कूल में, मैं स्कूल को बंद नहीं होने दूंगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी राजा वीरभद्र की फिलॉसफियों से अब कहीं दूर जा रही है? एक तो मेरा सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा, जो मैं कुछ यहाँ पे मैं टेक्निकल इश्यूज रखना चाहता हूँ। देखिए, हमारा यहाँ पे कोई ये वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम आए हल्ला गुल्ला मचाएं, बट आई वॉन्ट टू आस्क सम फंडामेंटल क्वेश्चंस और हम सोल्यूशन भी उसके देना चाहते हैं। सबसे जी पहले तो जो RTA एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, उसके हिसाब से ही, उसी के हिसाब से हमारे प्राइमरी और हाई स्कूल सरकार खोलती है। आज इन लोगों ने उसको बंद कर दिया, तो पहले तो मैं उसको बोलूंगा ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, जी जो हाई स्कूल के लिए जो ये एवरेज निकालते हैं पैरामीटर, जो सुशांत जी और एजुकेशन मिनिस्टर बता पाए, पर मैं यहाँ पे एक मैं उनको फीडबैक देना चाहता हूँ सरकार को, और बड़े पॉजिटिवली इसको लें सुशांत जी, कि 7th और 8th ग्रेड की जो एवरेज है उसको निकालने के बाद आप हाई स्कूल को उसका जो अपग्रेडेशन है वो देखें, और वैसे ही जी जो +2 है उसको 8वीं और 9वीं का एवरेज देखकर उसके बाद उसको अपग्रेड की बात की जाए। कैचमेंट एरिया जो उस क्षेत्र का है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप +2 बना देते हैं किसी स्कूल को, सो वो तो है नहीं कि पहले साल में ही वहां पे आपके 100 बच्चे आ जाएंगे। इट इवॉल्व्स, और इवॉल्व होने के लिए कम से कम 3-4 साल लगते हैं। तो 3-4 साल का टाइम एक स्कूल को मिलना चाहिए और उसके कैचमेंट एरिया का भी एक अच्छे तरीके से उसका सर्वे होना चाहिए। इस तरह की स्थितियां कभी भी नहीं आएंगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा जबरदस्ती कांग्रेस ने खड़ा करा है। इनको कोई जरूरत नहीं थी, और आप खुद ये इस चीज को, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही इतनी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है, जैसे आशा कुमारी जी और रानी प्रतिभा जी ने इस इशू को उठाया, तो अभी कहीं ना कहीं खुद बैकफुट में चले गए हैं। चाहे वो एनपीए का इशू हो डॉक्टर्स वाला, चाहे वो बाकी जो अभी चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठियां लिखी थी, पूरी तरह से ये सरकार कंफ्यूज है। किसी तरह का कोई भी लगाम इनकी ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स अपने आप हिसाब करे जा रहे हैं, और इनकी जो पूरी मिनिस्ट्री है वो टोटल इनएक्सपीरियंस्ड है। और वो इन लास्ट 4-5 मंथ्स में आपको लगातार बैक टू बैक ये जो चीजें हो रही है वो सब कुछ हमारे को दिख रहा है।
ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था। और अभी जैसे बोला, अभी कुछ दिन मैंने सुबह ही कहीं मैंने पढ़ा कि 2-3 स्कूल्स में पैरामीटर फुलफिल्ड भी हैं, उसके बावजूद भी उन स्कूल को बंद कर दिया गया। तो मुझे आशा जी ने वही पत्र लिखा है। जी जी विडंबना है, विडंबना है ये जी। तो प्रवीण जी, ये जो स्कूल बंद का सिलसिला चला है, आपने भी पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं, आपने देखा है कि स्टूडेंट किस पर किन परिस्थितियों में मीलों पैदल चल के स्कूलों तक पहुंचते हैं, वहीं कोई बसों से पहुंचता है, कोई कैसे पहुंचता है, क्योंकि हमारा अधिकतर एरिया शहरी क्षेत्र तो है नहीं हिमाचल प्रदेश में, जनसंख्या घनत्व इतना कम है कि स्कूलों की जरूरत है, चाहे वो 10 बच्चों के साथ चलें स्कूल, चाहे 20 बच्चों के साथ चलें। लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी का, ये नई सरकार में क्राइटेरिया फिक्स ऐसा हो गया है कि ऑटोमेटिकली ब्यूरोक्रेट चिट्ठी निकाल देते हैं कि 31 मार्च तक इतनी एडमिशन थी तो अब इसको बंद कर दिया जाए। तो इसको, इसमें कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाएं देखी जानी चाहिए इन मामलों में कि नहीं? जी प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, इस पूरे इशू को मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहूंगा। वर्ष 1910 में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने पहली बार ब्रिटिश विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा कि इस देश के अंदर जो है मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और वर्ष 2002 तक आते हुए किसी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। अटल जी ने पहली बार 85th संविधान संशोधन में देश के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को लेकर आए। और यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिन्होंने 2010 में राइट टू एजुकेशन शिक्षा को अधिकार के रूप में दिया। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच में बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। दोनों पार्टियां चाहती है कि शिक्षा को अधिकार है, और दोनों ही पार्टियों ने गलती की है। चेतन जी है, चेतन जी यहां तो कह रहे हैं कि ये बंद नहीं होने चाहिए, पर इनसे एक प्रश्न ये भी तो है कि आपकी जब सरकार राजस्थान के अंदर थी, आपने 15,224 शिक्षण संस्थान जो राजस्थान में बंद कर दिए थे और 2.5 लाख बच्चों को वहां से बाहर जाना पड़ा था। ये तो हो सकती थी कि 5 वर्ष पहले की बात हो। ठीक यहां पर जो था हरियाणा में, अभी भी 1026 स्कूल इस एकीकरण और मर्जिंग के नाम के ऊपर बंद कर दिए हुए हैं, और वहां पे एक बहुत बड़ा एजिटेशन भी चला क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले 105 स्कूलों की बंद होने की नोटिफिकेशन आ गई। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल की सोच क्या होगी? क्या एक स्टेट में वो बदल जाएगी और दूसरे स्टेट में वो बिल्कुल अलग होगी क्या? राजस्थान में आपकी जो सोच थी वो स्कूलों को बंद करने की थी, हरियाणा में आपकी सोच स्कूलों को बंद करने, और भाना सिर्फ यही है कि बच्चे कम है। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस को थोड़ा सा और याद करवा देते हैं। सी राजागोपालाचारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, सी राजागोपालाचारी जी ने बिल्कुल ठीक वही भाना लिया जो अभी कपरेट जी ने कहा कि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, और उन्होंने 6,000 स्कूल बंद कर दिए। ये 1953 की बात है। और उसके बाद जो वहां पे मुख्यमंत्री बने के कामराज, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा भाई देश के अंदर, कि अगर हमारे पास फाइनेंसिस नहीं है तो क्या हम स्कूलों को बंद कर देंगे? और आप विश्वास करिए, उन्होंने वो जो 6,000 स्कूल बंद सी राजागोपालाचारी जी ने किए थे, उन्होंने वो 6,000 स्कूल खोले, और उसके बाद 12,000 नए स्कूल खोले। और आपको विश्वास नहीं होगा, हर गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल खोला और हर पंचायत के अंदर एक मैट्रिक जिसको बोलते हैं हम लोग, ये स्कूल खोला। और मिड डे मील जो थी वो बच्चों को वहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम शुरू की। और जो 7% एजुकेशन की दर तमिलनाडु में थी, वो सिर्फ 9 सालों के अंदर 37% तक पहुंच गई। ये कांग्रेस की बेसिक नीति थी एजुकेशन को लेकर। और किया क्या यहाँ पर? यहाँ पे ये बहाना लिया जा रहा है कि इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसकी वजह से हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं। अरे भाई जी, अगर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के मामले में अगर आप लोग फाइनेंसिस को देखेंगे तो सरकार का काम है क्या? सरकार का काम है हम लोगों को हर बच्चे को शिक्षा अवेलेबल करवानी है। उसके लिए सरकार का चाहे जितना मर्जी धन क्यों ना लग जाए। जो आपने पहले भी, कबीर भद्र जी ने भी यही, कबीर भद्र जी की भी बिल्कुल के कामराज जी की तरह सोचती, वो यही कहते थे अगर मुझे एक बच्चे को भी पढ़ाना पड़ जाए तो मैं वहां पर भी स्कूल खोलूंगा। पर यहाँ पे बिल्कुल उलट, भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में विरोध के नाते विरोध जता रही है, परंतु सत्य यह कि राजस्थान और हरियाणा में इन्होंने गलत किया। यहाँ पे विरोध अवश्य जता रहे हैं ये लोग,
परंतु अपने गिरेबान में तो इन लोगों को झांकना पड़ेगा, अरे भाई वहां गलत कर रहे हो तो यहाँ आप किस मुंह से ठीक उसको बोल रहे हो। यहाँ पे दोनों ही पार्टियां गलत है, दोनों ही पार्टियां अपने जो इनकी राष्ट्रीय नीति है शिक्षा को लेकर उसमें बिल्कुल विरोधाभास में है। यही वजह है कि कांग्रेस को अपने जो यहाँ लिए हुए निर्णय से पीछे हटना पड़ा। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं, ये जितने भी शिक्षण संस्थान इन्होंने डी नोटिफाई किया वो एक एक करके फिर से नोटिफाई होंगे, पर ये थूक कर चाटने वाली बात होगी जी। करने तो इनको पड़ेंगे, क्यों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कांग्रेस की है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। और सेम जो है भारतीय जनता पार्टी को उन राजस्थान में तो इसी की वजह से सरकार खो दी थी, हरियाणा में भी लगभग यही एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो भी स्टेटमेंट दे भारतीय जनता पार्टी के लीडर सोच समझ कर दें और अपनी राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रख कर दें। जी ठीक जी, हम राष्ट्रीय नीति को देखकर ही प्रवीण जी बोल रहे हैं, आप माइंड ना करिए, पर हम उसको देखकर ही बोल रहे हैं। आपसे फीडबैक हम अलग प्लेटफॉर्म से भी लेंगे। आई थिंक यू शुड फोकस कि आज जिस पे डिस्कशन हो रही है। जी आस्था जी, ये जो स्कूल बंद करने का सिलसिला चला है और दुर्गम क्षेत्रों सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इससे, इसको लेके बच्चों का भविष्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। क्योंकि मान लो ये कोई दो चार गाँव है उसमें एक स्कूल खुला है, उसमें 10 बच्चे 15 बच्चे प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है 15 बच्चों वाला वो पूरा नहीं होता, एक बच्चे के कारण भी बंद हो जाता है, तो ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगले हमारे इसमें? क्योंकि हमारा केरला के बाद शिक्षा के में दूसरे स्थान पे हम कहीं फिसल तो नहीं जाएंगे इससे? जी आस्था जी, चमन जी सुन रहे हैं आप मुझे? चमन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, चमन जी की आवाज नहीं आ रही। कपरेट जी, अभी आपने देखा कि प्रवीण जी ने भी कहा, चेतन जी ने भी कहा, और प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राइट टू एजुकेशन वो आपकी ही कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी वो लाई, और उसके तहत हर बच्चे का अधिकार दिया गया शिक्षा का, और उसका सारा बंदोबस्त करना सरकार के ऊपर है। लेकिन अब जो स्कूलों का सिलसिला, और आपकी पार्टी में ये बात उठी है, भाजपा ने तो विरोध करना है वो कर रहे हैं, जयराम ठाकुर जी ने विरोध किया, बिंदल जी ने विरोध किया, अलग अलग जो प्रभावित विधायक पूर्व विधायक हुए हैं उन्होंने विरोध किया, लेकिन आपकी पार्टी की अध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है कि सरकार जो निर्णय करती है उसमें पार्टी शामिल नहीं होती है। जी तो इस पे आप क्या देखिए प्रवीण भाई, क्योंकि इनके साथ एक व्यक्तिगत तौर पे भी मेरा रिश्ता रहा है, मेरे यूनिवर्सिटी के सीनियर भी रहे हैं, और संगठन की राजनीति भी हमने अक्रॉस द बैरियर की है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस समय के टॉप लीडर्स में से एक थे। तो इन्होंने जिस तरीके से क्यूमुलेटिव तरीके से ये बताया है कि जो ये चेंजेस हुए हैं, वो चाहे राइट टू एजुकेशन था या फिर उसके बाद जो हमने बच्चों के लिए स्कूल खोले बंद किए, या जो इस प्रकार की राजनीति जो आज चल रही है, एक चीज बड़ी क्लियर है, मैं संगठन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। संगठन की ओर से रानी प्रतिभा सिंह जी ने ये कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में जो स्कूल है वो खोले जाने चाहिए, क्योंकि वहां की जो परिस्थिति है वो बराबर पैरामीटर्स के साथ नहीं चल सकती। आशा कुमारी जी पार्टी की सर्वोच्च सीनियर मोस्ट लीडर्स में नेतृत्व से भी शायद इस बारे में बात की, और जो हमारा प्रदेश सरकार का सेटअप है वहां पर भी ये बात की, और उसी वजह से आज जो ये निर्णय है वो कहीं ना कहीं स्टैंड बाय पे रखा गया है। तो राजीव जी एक चीज बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस वो संगठन नहीं है कि जहां पर जो डिसीजन लिया गया सरकार द्वारा उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर संगठन की ओर से कोई विरोधाभास है तो डेफिनेटली उसको चेंज करने के लिए जो स्टेप्स है वो सरकार लेती है, क्योंकि सरकार जो है वो संगठन के सहयोग से ही आगे चलती है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से संगठन की ओर से ये बात उठाई गई है कि दुर्गम इलाकों में या जो ये स्कूल है ये खोले जाए, अभी जिस तरीके से हम राकेश अस्था जी को देख पा रहे हैं, ये चौपाल में मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां पर है, वहां की जो परिस्थिति है वो शिमला से बिल्कुल डिफरेंट है, बरसात के कारण, लेकिन जुड़े हैं हमारे ये, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि चौपाल का है, और चौपाल की जो भौगोलिक स्थिति है वो शिमला शहर से बिल्कुल डिफरेंट है, जुब्बल कोटखाई से बिल्कुल डिफरेंट है, तो पैरामीटर्स जो है वो हर जगह के डिफरेंट होने चाहिए। जी
डॉक्टर साहब विडंबना देखिए आप, विडंबना देखिए, हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं, लगातार वो जब भी इलेक्शंस में जाते हैं वो हमेशा स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, मैंने इतने स्कूल करे, ये हुआ वो हुआ, और आज वही इसको टॉर्च बेरर बन रहे हैं उन स्कूल्स को बंद करने के लिए। और आपके हलके बड़ा स्कूल बंद कितने हुए हैं? नहीं, इनके हलके में जुकल कोट थे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ है, कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ है। दीजिए प्लीज, तो मंत्री जी ने बचा लिए अपने स्कूल, अपने तो बर, बाकी जगह तो उन्होंने कोहराम मचा के प्रदेश में बंद कर दिए, पूरा पूरा कोहराम मचा के रखा, कांग्रेस पार्टी लड़ा दी उन्होंने आपस में। बिल्कुल, आष्टा जी सुन रहे हैं आप मुझे? चमन जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप बताइए इस पे, आप बताइए आपका क्या मत है। मैं ना, मैं इन दोनों दो जो भी साथी हमारे हैं, मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल और वो देता हूँ, बिल्कुल सुशांत भाई बोल रहे थे, मैं अपने गांव पे हूँ और ये मुश्किल से चौपाल से 6 किलोमीटर पे हूँ। तो अभी आप एग्जांपल आपको मैं ये सेट करके देता हूँ, यहाँ से जब पैदल बच्चे जाया करते थे तो 11 किलोमीटर पे हाई स्कूल चौपाल हुआ करता था, ठीक है जी। तो अब वो स्कूल के बाद जो उसके बाद स्कूल 70 के दशक में खुलने शुरू हुए, प्राइमरी स्कूल्स बेसिकली खुले थे, तो वहां पे एक टीचर हुआ करता था और बच्चों की संख्या 10-12 थी, एक टीचर पढ़ाया करता था 5 क्लासेस को, ठीक है। फिर धीरे से हुआ कि मिडिल स्कूल अपग्रेड किए गए, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल में उसी स्कूल में स्ट्रेंथ प्राइमरी में बढ़ती गई, और इन लोगों ने शिक्षा का जो बेड़ा गर्क किया है कांग्रेस और भाजपा में, उसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। अबराक्टा जी हैं, इनको पूछिए, पिछली सरकार में इन्होंने अनाप शनाप कुपरी में एक कॉलेज खोला और वो आपको पता है कि हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, एक भी टीचर वहां पे अपॉइंट नहीं हुआ है। हम लोग बार बार पता नहीं किस किस के पास बात इसको पहुंचाते हैं, बात करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाया नहीं, सरकारें चलाता कौन है? अब आप इसको समझिए, ये जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं या मंत्रालय में बैठे हैं, ये सरकारें नहीं चलाते, इनके जो नीचे कार्यकर्ता बूथ पालक बोलो या वो शब्द में यूज नहीं करना चाहता, जिन लोगों को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो इनको, इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्रियों को बताते हैं कि यहाँ पे कॉलेज खोल दो, इतना वोट हमें मिलेगा जी। और केवल वोट बटोरने के नाम पर इन्होंने कुपरी जैसे जगह पे, जो कि एक बहुत ही इंटीरियर हमारे इलाका है, वहां पे कॉलेज दे दिया। इससे भी जानकर के एक आपको हैरानी होगी, चौपाल में गवर्नमेंट कॉलेज खोल दिया इन्होंने 1990 के दशक में, 92-95 में, आज तक वहां पे बिल्डिंग कॉलेज की अपनी नहीं है, बाद में उसको जा करके इन्होंने शिफ्ट करके मर्ज कर दिया। तो ये शिक्षा का बेड़ा गर्क, इनको ये नहीं पता कि जब कॉलेज खोलना है उससे पहले वहां इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए जी। जी चेतन जी, शिक्षण संस्थान या कोई भी कार्यालय, चाहे जन सुविधा से जो जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, बार बार बात हम लोग पत्रकार लोग मीडिया में उठाते हैं कि इसके लिए कोई कमीशन बने और कमीशन की रिकमेंडेशन हो, पॉलिटिकल तौर पे इस तरह की चीजें ना खुलें, क्योंकि अभी सुकू जी ने आपके सरकार, अपनी सरकार बनते ही 950 संस्थान आपका डिनोटिफाई किया है। जाहिर है अगली बार आप लोग सत्ता में आएंगे जो सुकू जी खोलेंगे, आप डिनोटिफाई करेंगे, तो जनता तो उलझी रहेगी। तो इसके लिए एक मिलकर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि कमीशन बने और कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही संस्थान खोले, पॉलिटिकल तौर पे ना खोले। आपकी पार्टी की क्या राय है इसमें? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप इसको ठीक बोल रहे हैं, इस पे कोई पाथ फॉरवर्ड तो होना चाहिए, इस पे कमीशन बने, इस पे कोई एक्ट बने, परंतु हमारे को अब पॉलिसीज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये आनन फानन में जो आप हम स्कूल खोल देते हैं, राजनेता की प्रेशर में आते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, कई खामियां हमारे में भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी रही है, फीडबैक हमारे को क्लियरली समझना पड़ेगा। और मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग है, एक बड़ा साइंटिफिक प्राइमरी और टर्शरी, एक जिसको हम बोलते हैं सर्वे होना चाहिए उस क्षेत्र का, कि यहाँ पे स्कूल की जरूरत है कि नहीं है। और जब एक बार स्कूल खुल जाए तो कम से कम उसको 3-4 साल का टाइम तो बिल्कुल मिलना चाहिए, उसका समझने के लिए कि जो कैच है बिल्कुल बंद होना चाहिए जी, बिल्कुल, चाहे एक ही बच्चा हो परंतु उस स्कूल को 3-4 साल का टाइम उसमें मिलना चाहिए। और इसमें ये मेरे को लगता है ये सबको बैठकर इसको हमारे को सबको आगे ले जाने की जरूरत है। और जैसे भी आष्टा जी ने अभी बड़े ये गुस्से में थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो भाई साहब मैं जरा थोड़ा आपको याद दिला दूं कि ये अगर ये शास्त्री जी ने और बिट्टू वर्मा जी ने वहां चीजें कुछ करी है, तो उसके बाद वहां कांग्रेस के भी काफी लोग थे, उसको कृपा करके उनपे भी घेरी, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे। चेतन जी, आप सुभाष चंद्र मंगलेश जी का नाम भी बोल रहे हैं बीच में,
और कांग्रेस के विधायकों का नाम भी भूल रहे हैं और ये भी भूल रहे हैं कि वहां पर जो रामलीला है वो वीरभद्र सिंह के समय में आई है। अरे खत्म तो करने दो कपरेट जी, खत्म तो करने दो कि वहां पे इनकी कुछ पर्सनल पीड़ा मेरे को लग रही है, तो इसलिए स्टॉप अक्यूजिंग। ये जो आम आदमी पार्टी का एक जो एक फिलॉसफी है ना पूरे इंडिया के अंदर, देश वो शूट करते हैं और उसका स्कूट कर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मेरे को लगता है बहुत इंस्पिरेशन आजकल चमन जी ले रहे हैं। आई थिंक यू शुड टॉक ऑन फैक्ट्स और ऐसे किसी को अक्यूज करने से कुछ फायदा नहीं है। वो अपने लीडर से इंस्पिरेशन तो लेनी पड़ेगी। नहीं देखिए हमारा पूरे हिंदुस्तान में डिफेमेशन केसेस चलते हैं और फिर हर जगह आकर अरविंद केजरीवाल जी देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं किसी लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ। मैं आइडियोलॉजी एक फॉलो करता हूँ, जो गलत है वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ जब आप प्राइमरी से हाई पे जाते हैं उसमें टाइम लगता है क्योंकि स्ट्रेंथ तब बढ़ती है आपकी। आप लोग ना तो कोई सर्वे होता है ना फाइनेंशियल उसमें बजट में प्रोविजनिंग होती है, तो कैसे नेता हुए आप बताइए ना। ये तो चलिए हमारी सरकार में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े अच्छे डिसीजन वो लेते हैं, लेकिन कम से कम शिक्षा के लिए तो हमारी पार्टी ने एक तो मापदंड किए। अब बात तो हो रही है कम से कम शिक्षा के लिए, और हमारी क्या, हमारी तो सबसे इसी बात पे लड़ाई है कि केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को आप अच्छा कीजिए बस। ये सियासी घोषणाएं हैं, वोट कहीं ना कहीं वोट पे नजर होती है इनमें, हर पार्टी उसी को ही अपनाती है। और आने वाले वक्त में जब आम आदमी पार्टी को सब मिलेगा मौका तब आप भी ऐसा करेंगे, कोई नयापन शायद तब भी मेरे को ना दिखे इस प्रदेश में। नहीं नहीं जो है कोर, यहाँ पे कोर इश्यू ये है डॉक्टर साहब कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उनकी ब्यूरोक्रेसी पे कोई भी किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। यहाँ बिल्कुल फ्री डिसीजन ले रहे हैं, फ्री फॉल है ब्यूरोक्रेसी को। नहीं ब्यूरोक्रेसी तो चेतन जी, ब्यूरोक्रेसी तो आपकी सरकार में भी कंट्रोल से बाहर थी, बार बार रोल बैक होते थे फैसले। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आज हम ऑपोजिशन में भी बैठे हैं, फीडबैक को मानना चाहिए, हम हारे हैं इलेक्शन, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ और फिर हम उस इश्यू को लेकर डिबेट कर रहे थे, तो क्लियरली दिख रहा है पूरी तरह से जिसको मैं बोलता हूँ गैप्स ही गैप्स है सरकार में। जी प्रवीण जी, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि सरकारें बदलती हैं और जो भी फैसले चुनावी वर्ष के होते हैं उनको पलट दिया जाता है, हर बार होता आया है, ये काफी समय से हो रहा है। तो इससे जो चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान है चाहे वो शिक्षण संस्थान है, खासकर इन मामलों में थोड़ा सा सरकारों को बच के नहीं चलना चाहिए क्या, जो भी सरकार सत्ता में आए? डॉक्टर साहब पहले तो मैं तीनों प्रवक्ताओं को बधाई देता हूं कि तीनों प्रवक्ताओं के अगर आप बयानों को ध्यान से सुनोगे तो तीनों प्रवक्ताओं ने अपने नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। जी ब्राटा जी ने साफ साफ बोला कि हाँ गलतियां हुई है, हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम नहीं लगा पाए उसकी वजह से हम हार गए। यही बात कपरेट जी ने कही कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन सरकार को अब फ्यूचर में मानने पड़ेंगे, और यही बात उन्होंने भी कही कि ठीक है मैं गलत निर्णय को किसी भी पार्टी को नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूं, पर इस बात को भी समझना पड़ेगा कि सरकार बिजनेस के लिए नहीं बनी हुई है, उसको लाभ और हानि नहीं देती है। सबसे बड़ा काम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर हम सरकारें बनी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बिल्कुल अगर वो लाभ और हानि देखना शुरू कर देंगी तब तो बहुत कुछ बंद करना पड़ेगा। फिर आपको HRTC बंद करनी पड़ेगी, फिर आपको IPH बंद करना पड़ेगा, फिर बिजली बोर्ड बंद, सब कुछ ही तो बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल अल्टीमेटली सरकारें जो बनती है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान पे रखकर ही डिसीजन लेती है। अगर के कामराज जी ने उस टाइम डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद पूरे देश में शिक्षा में इतनी बड़ी रेवोल्यूशन नहीं आ पाती। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि हमें आम लोगों के कल्याण को फायदे में रखकर ही नीतियां बनानी चाहिए, और नीतियों को बनाने से पहले कम से कम 10 बार उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सोच लेने चाहिए। और एक बात आपने बहुत अच्छी सी बात की कि कमीशन तो जरूर बनना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी संस्थान खुले जाए तो वहां के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन संस्थानों को खोला जाए। और आपसी समझ पॉलिटिकल पार्टियों की होनी चाहिए कि फ्यूचर में जो संस्थान खोले गए हैं वो संस्थान फिर बंद ना। बिल्कुल मेरा तो सिर्फ इतना सा ही कहना है कि राजनीति को दूर रखकर जो है हिमाचल के प्रदेश के भले के लिए, हाँ ठीक है विरोध करना एक विपक्ष पार्टी का धर्म है, वो करे, वो करना भी चाहिए उनको, परंतु जहां पे प्रदेश के हित सामने आते हो वहां विरोध नहीं करना चाहिए और वहां मिल बैठकर ही समस्या को सुलझाना चाहिए, ये मेरा मानना है।
जी कपरेट जी, जब भी विधानसभाओं का विस्तार होता है, विधानसभा क्षेत्रों का, लोकसभा का, तो डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है। और बात उठी है कि इसके लिए भी नए संस्थान खोलने के लिए भी एक सरकार कमीशन बनाए, जन सुनवाई करे और जनता की रिकमेंडेशन, पॉलिटिशियन की रिकमेंडेशन और क्षेत्र के लिहाज के देखते हुए, डिमांड को देखते हुए निर्णय ले। तो क्या आप भी संगठन की तरफ से अपनी सरकार को यह सुझाव देंगे? जी कपरेट जी, कपरेट जी माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा ये मानना है कि जहां तक सर मेरा ये मानना है कि जहां तक संगठन की ओर से बात है कि क्या कमीशन होना चाहिए, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आ रही है या जो इम्प्लीमेंटेशन पे, उसमें ये पॉइंट जो है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसमें ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी एक पैरा है, जिसमें ये जो मापदंड है वहां पर निर्धारित करने की बात कही गई है। लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट्स की जहां तक बात आती है, एरिया के डेवलपमेंट की जहां तक बात आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जहां तक हितों की बात आती है, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे संगठन के लिए भी ये सुझाव रहेगा कि एक डेफिनेटली एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि सरकारें बदले तो कम से कम वो लोग सफर ना करें, ना वहां के बच्चे सफर करें, ना वहां के टीचर सफर करें, ना वहां का स्टाफ सफर करें और ना वहां के लोकल सफर करें। जी तो आज हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण संस्थानों का बंद नहीं होने चाहिए और शिक्षण संस्थान बने रहने चाहिए, बच्चों की जरूरत के अनुसार चले रहने चाहिए, लेकिन राजनीतिक आधार पे खासकर चुनावी वर्ष में ऐसे शिक्षण संस्थान खुलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुक्कू सरकार ने जो शिक्षण संस्थान बंद किए, 286 स्कूल ऐसे थे इसमें एक भी बच्चा नहीं था। लेकिन उसके बाद क्राइटेरिया ऐसा ब्यूरोक्रेसी ने फिक्स कर दिया कि 15 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे जिस स्कूल में नहीं होंगे वो बंद होंगे, ऑटोमेटिकली 90 स्कूल बंद हो जाते हैं। और कांग्रेस संगठन, भाजपा तो विरोध कर रहा है, कांग्रेस संगठन आवाज उठाता है, प्रतिभा सिंह जी खुद आवाज उठाती हैं, तो फिलहाल शिक्षा मंत्री मामले को स्टेटस को करके एक लेटर लिख देते हैं कि स्टाफ वहीं रहे, अभी तक कुछ नहीं होगा, अगले निर्णय तक इसकी समीक्षा की जा रही है। लेकिन हिमाचल का दर्जा शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में दूसरे पे है, केरल नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे हम हैं, तो ये दर्जा बरकरार रहना चाहिए। चर्चा हुई, सबने कहा वीरभद्र सिंह जी का योगदान जो शिक्षण संस्थान खोलने में, आज हिमाचल उसी तरीके से आगे बढ़ा है, तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान खोलने के लिए और अन्य संस्थान खोलने के लिए एक कमीशन का भी गठन होना चाहिए, ताकि वो जन सुनवाई करके, पॉलिटिशियन की राय लेके, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नए संस्थान खोलने की इजाजत दे और वही हो, लेकिन राजनीतिक आधार पर ये नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि सरकार का आर्थिक बोझ भी इससे बढ़ता है। तो आज हमने इन्हीं विषयों पर चर्चा की और आप सबका धन्यवाद।